मुकदस मती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस, उसका नाम अबाव और उसकी 20वीं आयत। और देखो एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। जाने दो जाने दो जाने दो मुझे यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। प्यासी हरनी हो यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की, प्यासी हरनी हो यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की, प्यास अपनी बुझाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। कदम उखड़े हुए हैं मन है भारी, 12 वर्षों से हुई बीमारी, कदम उखड़े हुए हैं मन है भारी, 12 वर्षों से हुई बीमारी, शिफा यीशु से पाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। जो किसी को न जाए सुनाई, बात दिल में है मैंने छिपाई, जो किसी को न जाए सुनाई, आंसू को बहाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी, गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी, हाथ उसको लगाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, और फिलफोर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। हाथ यीशु को जो ही लगाया उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया, हाथ यीशु को जो ही लगाया उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया, गीत यीशु के गाने दूं, अब यीशु के पास जाने दूं, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना
रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो, मुझे सूख के पास जाने दो।